अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी से सावधान रहेंगे तभी जीत पाएंगे। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में महायुति की सरकार धोखे से बनी है यह कहते हुए दिखे। का जो रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो एक टाइप से डिफीट, अनएक्सपेक्टेड डिफीट कांग्रेस को मिली थी वहां पर, क्या गलती हुई, वो गलती यहां पे नहीं दोहराना चाहिए? मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन हरियाणा का चुनाव जीता जा सकता था, क्योंकि अगर बीजेपी से आप सावधान रहेंगे तभी चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी से अगर आप हर बूथ पर लड़ेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। आपको टिकट सिलेक्शन से लेकर के आखिरी तक लड़ना पड़ेगा, काउंटिंग तक, तभी आप जीत सकते हैं। हरियाणा बहुत क्लोज इलेक्शन था, हरियाणा कांग्रेस के पक्ष का इलेक्शन था, लेकिन बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है। वो परिस्थितियां महाराष्ट्र में नहीं होंगी। महाराष्ट्र में जनता ने चुनी हुई सरकार नहीं दी है, महायुति चुनी हुई सरकार नहीं है, ये हत्याई हुई सरकार है, ये सरकार छीनी हुई सरकार है, ये सरकार खोखे से बनी है, ये सरकार लोगों को डरा के धमका के सरकार बनी है। इसलिए यहाँ की जनता और खासकर महाराष्ट्र की जनता अपने सम्मान के लिए चुनाव लड़ रही है। ऐतिहासिक चुनाव जहाँ है वहीं महायुति ने जो महादुख दिया है जनता को, उससे निकलने का चुनाव है।